नेपाल क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के अगेंस्ट दूसरा मैच हारी है आज, और आप कह सकते हो कि सीरीज में वेस्टइंडीज की जो टीम है ना वो 2-1 से आगे है। पहले मैं आपको बता दूं, दीपेंद्र सिंह एरी की कप्तानी और नेपाल क्रिकेट टीम की आज की हार की सबसे बड़ी वजह जो है ना, मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी वजह, बहुत ही बड़ी वजह है ये जिससे नेपाल क्रिकेट टीम आज हारी है। तो एंड में बताऊंगा उसको लेके, थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन को लेकर कुछ चीजें हैं उसको लेकर बात करूंगा। पहले दीपेंद्र सिंह एरी की कप्तान की बात करता हूँ कि दीपेंद्र सिंह एरी एक एज अ फ्लॉप कैप्टन से के हिसाब से मतलब अभी देखे जा रहे हैं फैन के नजरिए से। अभी मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारे फैंस जो है ना यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी को आप कह सकते हो कि एज अ फ्लॉप कैप्टन देख रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये फैन के ओपिनियन बेस पे मैं कह रहा हूँ कि दीपेंद्र सिंह एरी अभी तक 2 मैचेस में कप्तानी की है। आप कह सकते हो एक मैचेस जो बड़ौदा के अगेंस्ट उन्होंने कप्तानी करी थी इंडिया के अंदर, जो SMS फ्रेंडशिप कप था उसमें, वहां पे दीपेंद्र सिंह एरी को हार मिली थी, और दूसरा आज के मैचेस में जहां वेस्टइंडीज के अगेंस्ट दीपेंद्र सिंह एरी ने कप्तानी की है और एज ए कैप्टन दीपेंद्र सिंह एरी की आज दूसरी हार है। लेकिन इस दोनों मैचेस में सिमिलैरिटी आपको मैं अगर बताऊं तो वो जो SMS वाला जो मैच था जो इंडिया के अगेंस्ट खेला गया था, आप कह सकते हो कि यार वो उतना हाई लेवल मैच नहीं था, गली टीम दिया था इंडिया ने, और जिसके वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी जो है इंडिया को सहनी पड़ी थी। इवन खुद मैं यहाँ पे इंडियन होके इंडिया को ट्रोल किया था, क्योंकि भाई ये रिस्पेक्ट वाली बात होती है, आप किसी कंट्री को अपने देश में बुला रहे हो और फिर देश में बुला के आप अपनी गली की टीम दोगे तो ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, जिसके वजह से मैंने ट्रोल किया था। ठीक है, बहुत सारे इंडियन फैंस मेरे से नाराज भी हो गए, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भाई सबको कुछ नहीं कर सकता, जो रियलिटी है मैं उस पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे वो चीज़ हुई, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बड़ौदा के अगेंस्ट दीपेंद्र सिंह एरी की हार हुई थी, जहाँ पे सबसे बड़ा रीजन वो था कि वहाँ पे जो मेन प्लेयर थे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे भी रोहित पोडेल बैठे हुए थे और शायद एक दो मेन प्लेयर और बैठा हुआ था। सेम सिचुएशन आज के मैचेस में थी, और आप कह सकते हो कि आज का जो मैच है, आज का मैच एक और चीज पे यहाँ पे बेस करा के जो है प्लेयर को चुना गया था। मतलब आपको अगर मैं बताऊँ, इवन कमेंटेटर्स जो है वो कह रहे थे कि टॉप 15 प्लेयरों की लिस्ट जारी करनी थी नेपाल को, उसको लेके जो है नेपाल क्रिकेट के जो मैनेजमेंट है और जो कप्तान है, जो सिलेक्टर्स है, सब ने मिलकर एक चीज डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना वो यहाँ पे टॉप 15 प्लेयर चुनना चाहते हैं, जिसमें हम आज जो खिलाड़ी बेंच है उनको भी चांसेस देंगे। जैसे कि आज आपको लोगों को देखने को मिला होगा विनोद भंडारी बेंच थे, उसको यहाँ पे आज मैचेस में खिलवाया गया। करण केसी बेंच थे, उसको आज मैचेस में खिलवाया गया, समझ लो। तो आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे करण केसी, विनोद भंडारी जैसे खिलाड़ी को जो है यहाँ पे चांस दिए गए। लास्ट मैच में आरिफ शेख को चांस दिया गया था, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से जितने जो भी चीज दिखी है लास्ट वाले मैच में और आज मैच में, सिमिलैरिटी दोनों में सेम थी कि भाई जो बेंच प्लेयर है उसने कुछ यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले वाले दिन जो मैच में जो प्लेयर्स खेले थे, मोस्टली वही प्लेयर्स जो है टॉप 15 में आएंगे, एक दो प्लेयर्स जो है इसमें से डाला जाएगा, समझ लो टॉप 15 में, वो चीज है। तो यहाँ पे अगर आप कहो तो आज की हार की सबसे बड़ी वजह यही है कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है ना वो आज यहाँ पे वर्ल्ड कप के सिलेक्शंस को लेके जो है प्लेयर को चांसेस देना चाहती थी, उसकी वजह से आ रही। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड कप के सिलेक्शंस को लेके आप यहाँ पे चांसेस दे रहे हो प्लेयर के, लेकिन आपके पास बड़े प्लेयर तो खेल ही रहे हैं, सिर्फ आज कुशल भुरतेल और रोहित पोडेल ही नहीं खेला ना, बाकी यहाँ पे तो आपके बड़े प्लेयर थे, अनिल शाह थे, विनोद भंडारी, आपको इतने पुराने खिलाड़ी विनोद भंडारी है, अनिल शाह है, समझ रहे हो, लोकेश बाम यहाँ पे न्यू कमर है, तो चलो उसने यहाँ पे थोड़ा इंटेंट दिखाया, ऐसा नहीं कहूंगे लोकेश बाम जो इंटेंट नहीं दिखाया, कुशल मल्ला थे, दीपेंद्र सिंह एरी थे, बड़े बड़े नाम तो आपके पास थे ही आज, फिर भी हार गए। लेकिन आप क्या ही कह सकते हो, बॉलर ने जो है वो अपना काम किया आज बहुत अच्छे तरीके से किया, 50-50 रन जो है दिए गए, जो कि अगर मैं कहूँ तो बॉलिंग कोच आने का कोई बड़ा फायदा हुआ नहीं है नेपाल क्रिकेट टीम के प्लेयर को। मतलब बॉलिंग कोच आने के बाद जो आप एक चेंजेस दिखते हैं ना आपको, वो चेंजेस मेरे हिसाब से नहीं दिखे। मुझे चेंजेस बस एक खिलाड़ी में ही दिखा है नेपाल में, वो है अविनाश बोरा, जो 19वें 20वें ओवर में करता था 30-32 रन देता था, वो बंदा अभी 8-7 रन पे निपटा देता है डेथ ओवर को, तो उसमें सिर्फ चेंजेस दिखा है मुझे। बाकी कमल सिंह एरी पहले मैच में भी रन पिटवाया था हाफ सेंचुरी, आज के मैचेस में भी रन पिटवाए, तो इसमें चेंजेस नहीं है। करण केसी पहले भी मार खाते थे बॉल से, बैट्समैन से, अभी भी मार खा रहे, तो वो चेंजेस जो है लाना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले। बाकी आप लोग के हिसाब से क्या आज का सबसे बड़ा रीजन है, मेरे हिसाब से जो है वो कप्तानी को आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दीपेंद्र सिंह एरी के ऊपर ये कलंक लग गया कि 2 मैचेस दीपेंद्र सिंह एरी अपने कप्तानी में हारे हैं, और जब जब उन्होंने कप्तानी की ये तो लग गया भाई, तो ये चीजें मिटने में थोड़ी टाइम लगेगी जब बड़े सीरीज दीपेंद्र की तरफ से जीता जाएगा। बाकी इसको लेकर आप क्या क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो।